जनप्रतिनिधि को लेकर अलग अलग सवाल आज के दौर में उठ रहे हैं और उसी तरह से मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर तौर पर हर किसी का एक अधिकार है। हमारे साथ मुजफ्फर हुसैन साहब हैं। आज जो देश की स्थिति है उसको लेकर असमंजस की तस्वीर उभरती जा रही है। सर, JNU को लेकर काफ़ी विवाद बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी ने समर्थन किया है, लोग कह रहे हैं आतंकवाद को समर्थन है, आप किस तरह से पूरे विवाद को देखते हैं? मैं इसको बड़े ही दूसरे रूप में देखता हूँ। छात्र संगठनाएं जो होती है, विशेषतः स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, ये बच्चे अपना मत का प्रदर्शन करते रहते हैं हर प्रकार का, और हर एक को अपना अपना मत प्रदर्शन करने का पूरा हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। वो मत प्रदर्शन करते हुए अगर तो किसी ने देश के खिलाफ कोई भूमिका ली है तो यकीनन निंदास्पद है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तो उस तरह की बातें किसी ने की है देश के विरोध में, देश के स्वतंत्रता के बारे में या अन्य और भी किसी ताल्लुक से, और अगर तो वो नहीं की है और उसमें सियासत हो रही है तब वो भी गलत है। तो इसलिए इस बात की सही तरकीब से छानबीन होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी न्यायपालिका मौजूद है, कायदा कानून अपनी जगह पर है, घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी हकीकत लोगों के सामने आएगी। अगर हम मीरा भाईंदर की तस्वीर की बात करें सर, कितना बदलाव या फिर अलग तरीका का बदलाव देखा है आपने, क्योंकि सरकार चेंज हो गई है, आपको लगता है कि वाकई विकास की बात या अच्छे दिन की बात जो कर रही थी सरकार उसका कुछ भी लक्षण देखा आपने? मीरा भाईंदर राज्य का एक हिस्सा है और आर्थिक स्थिति जो देश में बन रही है, जो राज्य में बन रही है, उसका इम्पैक्ट मीरा भाईंदर पर भी है। अब अच्छे दिन है या बुरे दिन है वो तो जनता ही बताएगी, जब चुनाव लगेंगे तब जनता अपना मत प्रदर्शन करेगी। आज हम विरोधी पक्ष में हैं, हम कुछ भी कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई इनको समय दीजिए, तो लोकतंत्र ने इनको समय दिया हुआ है 5 साल का, आने वाला वक्त बताएगा। आखिरी सवाल, क्या आप उस नारा पर विश्वास करते हैं जिससे आपने अभी कहा कि अच्छे दिन आ सकते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि अच्छे दिन आ सकते, मैंने कहा कि अच्छे दिन आ गए तो उस पर लोगों ने ज़ोरदार हंसी भी उड़ाई, तालियां भी बजाई, किसी ने कहा कि इससे और क्या बुरे दिन देखने हैं। आज की तारीख में अगर चुनाव होता है सर, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को आप टक्कर देने में बहुत ही सक्षम हो पाएंगे? आज की तारीख में चुनाव क्यों होंगे, 5 साल का समय दिया है, बहुमत दिया है लोगों ने, तो 5 साल में काम करके दिखाएंगे वो, और उसके बाद लोग फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो यही जो तरीका होता है एक राजनीतिज्ञ का कि अपने तरीके से जवाब देंगे, लेकिन सच्चाई जो है वो जनता बताती है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों का जो चुनाव होगा उसको लेकर जो भी जनता का फैसला होगा उसी को पूरा देश स्वीकार करेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।